Sabha Shakar, Pani Monti Sri Inter College, Lakpedabad, Bayabanki. And today I am here to explain you the topic of chemistry, matter in our surrounding. Okay. हमारे आसपास के पदार्थ, ओके, मैटर इन अवर सराउंडिंग. सो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए व्हाट इज अ मैटर. मैटर यानी कि द्रव्य. तो व्हाट इज अ मैटर, द्रव्य क्या है. ओके, मैटर क्या है, एनीथिंग विच हैज स्पेस एंड मास नोन एज मैटर. और यू कैन से हमारे आसपास जितनी भी चीजें होती हैं, ठीक है, विच हैज सम मास एंड ऑक्युपाइड स्पेस आर नोन एज मैटर. जस्ट लाइक, जैसे कि आप एक पेन देख रहे हैं, ये पेन है, इस पेन का एक कुछ मास होगा, कुछ वेट होगा, और अगर मैं इसको किसी जगह पर रख दूं तो ये कुछ स्थान घेर लेगा, तो इसे हम कहेंगे मैटर, यानी कि ये एक द्रव्य है. जैसे अगर एक ग्लास में हम लोग पानी डाल दें, तो जब हम लोग पानी डालेंगे तो क्या होगा, उसका भी कुछ एक वेट होगा, भार होगा, और वो भी क्या करेगा, उस ग्लास का जो स्पेस है वो ले लेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे. सो व्हाट इज अ मैटर, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइड स्पेस इज नोन एज मैटर. ओके, तो वो हर वो चीज जिसमें कुछ भार होता है और वो स्थान घेरती है उसे हम द्रव्य कहते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर यानी कि द्रव्य की विशेषताएं. सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर क्या है, द्रव्य की विशेषताएं क्या है. मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. जो द्रव्य है वो छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है. तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी आप देखेंगे, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है. नेक्स्ट आप देखेंगे कि ऑल द पार्टिकल्स हैव सम स्पेस बिटवीन देम. जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच बीच में कुछ स्पेस पाया जा रहा होता है. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप कोई भी मैटर बना रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं, जो हम लोगों ने ये ले लिए, राइट. अब आप लोग देखेंगे कि जो ये पार्टिकल्स है, इन पार्टिकल्स के बीच बीच में कुछ स्पेस पाया जा रहा है, यानी कि कुछ जगह है. जैसे इनके बीच में ये है, इसके बीच में ये जगह पाई जा रही है, तो दीज स्पेसेस आर नोन एज इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस. अंतरा अणुक, ये स्पेस हो गया स्थान, अंतरा अणुक स्थान, या इसे आप कह सकते हैं अंतरा आणविक स्थान, ठीक है. तो सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी क्या हो गई, कि इसमें इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस पाया जा रहा है. नेक्स्ट आप प्रॉपर्टी देखेंगे इसकी, कि ऑल द पार्टिकल्स आर इन मूविंग स्टेट. जितने भी पार्टिकल्स होते हैं मूव करते रहते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते रहते हैं. सो इनमें जो एनर्जी पाई जाती है उसे हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा. तो जितने भी पार्टिकल्स होंगे उसमें एक एनर्जी पाई जा रही होगी, और उस एनर्जी को क्या कहेंगे हम लोग, काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा. अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसकी प्रॉपर्टी, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अंतरा आणविक बल. तो अंतरा आणविक बल क्या है, द मॉलिक्यूल्स, जो ये मॉलिक्यूल्स हैं,
इनके बीच में एक बल काम करता है. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाउंड बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स इज नोन एज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इन दोनों के दो कणों के मध्य कार्य करने वाला बल अंतरा आणविक बल कहलाता है. ठीक है, तो ये आपने लिख लिया इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि मैटर की एक प्रॉपर्टी है, मैटर में द्रव्य में पाया जा रहा होता है. नेक्स्ट आप लिखेंगे डिफ्यूजन. डिफ्यूजन में आप लिखेंगे कि जो इन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ प्रॉपर्टी नोन एज डिफ्यूजन. जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच एक प्रॉपर्टी पाई जा रही होती है इनमें, उसे कहते हैं डिफ्यूजन. डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूज का मतलब होता है फैल जाना. तो इनके बीच में प्रॉपर्टी पाई जा रही होती है डिफ्यूजन की. बट द मेन थिंग इज, जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जैसे अगर आप हो कि ये तो एक पेन है, अब पेन को अगर हम लोग रखेंगे क्या ये इसके पार्टिकल्स फैल जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा. ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो आपको कॉमन प्रॉपर्टीज बता रही हूँ ये मैटर की बता रही हूँ. और मैटर जो है वो कैरेक्टराइज क्लासिफाइड हम लोग उसे करेंगे जब सॉलिड लिक्विड और गैस में. तो कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जो सॉलिड में पाई जा रही होंगी, लिक्विड में नहीं होंगी. कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जो लिक्विड में पाई जा रही होंगी और सॉलिड में नहीं होंगी. और इसके बाद नेक्स्ट आपको मैं बता रही हूँ कंप्रेसिबिलिटी. मैटर जो होता है, मैटर में कंप्रेसिबिलिटी की भी पावर पाई जा रही होती है, ये भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है. संकुचित होने की पाई जा रही होती है. जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो गैस है, ठीक है, जैसे आप एक रूम ले लें, रूम में आप एक परफ्यूम की बॉटल को खोल दें, उसके पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं? डिफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग एक गैस लें जैसे कि नाइट्रोजन है, उसको हम लोग, या ऑक्सीजन है, उसे हम लोग, ऑक्सीजन हमारी एयर में भी पाई जा रही है, और ऑक्सीजन को अगर हम लोग देखें तो उसे हम एक कंटेनर में भी कंप्रेस करके रख सकते हैं. तो इस तरह से जो मैटर है उसमें ये कंप्रेसिबिलिटी जो पावर है या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हमारी किससे पाई जा रही है? गैस में पाई जा रही है. राइट, अब आपने ये देख लिया ये इसकी प्रॉपर्टीज पाई जा रही है. इसी में कई प्रॉपर्टीज होती हैं कि मैटर जो है, अब शेप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो अभी हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, तो क्लासिफिकेशन में हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे कि शेप किसमें फिक्स होता है, किसमें नहीं फिक्स होता है, वॉल्यूम है किसमें फिक्स पाया जा रहा होता है, किसमें नहीं फिक्स पाया जा रहा होता है. तो अभी आपने पढ़ा कि व्हाट इज अ मैटर, मैटर क्या है? एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस नोन एज मैटर. वह हर वह चीज जिसमें कुछ भार होता है और जो स्थान घेरती है उसे हम मैटर कहते हैं. एग्जाम्पल आप ले सकते हैं एक चेयर का, एक टेबल का, एक पेन का, जिसमें कुछ वेट होता है और वो भार स्पेस घेर लेता है, तो उसे हम लोग कहते हैं मैटर. नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, तो द्रव्य की विशेषताएं. तो द्रव्य की विशेषताएं क्या है? मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है. इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस पाया जाता है. और इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होता क्या है? द स्पेस फाउंड बिटवीन टू पार्टिकल्स या टू मॉलिक्यूल्स इज नोन एज इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस. नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी. दीज पार्टिकल्स मूव अराउंड द पार्टिकल्स नोन एज, दिस एनर्जी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी. इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच बाउंड्स, एक दूसरे को बांधता है टूगेदर द मॉलिक्यूल्स नोन एज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. डिफ्यूजन, डिफ्यूजन पार्टिकल्स जो होते हैं वो डिफ्यूज कर जाते हैं, फैलने की उसमें कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है, ये डिफ्यूजन हो गया. नेक्स्ट आप अगर
देखेंगे। अभी आपने पढ़ा कि मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स, एक मेन आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है 9th क्लास में, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, गिव द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, द्रव्य की भौतिक प्रकृति क्या है। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, द्रव्य का क्या है कि इन द मैटर स्मॉल पार्टिकल्स आर फाउंड, कुछ स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक है। दीज पार्टिकल्स हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स टू डिवाइड, और इन जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनमें प्रॉपर्टी पाई जा रही होती है डिवाइड होने की, और ये डिवाइड होकर के नए पार्टिकल्स बनाते जाते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि द्रव्य का की भौतिक प्रकृति। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कैरेक्टर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब आप यहाँ पे देख लें, क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन क्या है, मैटर कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल नेचर एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन। मैटर यानी कि द्रव्य को उसके फिजिकल नेचर के बेसिस पर भी हम लोग कैरेक्टर क्लासिफाई कर सकते हैं, और कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर भी कर सकते हैं। फिजिकल नेचर के बेसिस पे हम लोग, या फिजिकल कंपोजिशन के बेसिस पे हम लोग उसे किस तरह से क्लासिफाई करते हैं, तीन टाइप में हम इसे क्लासिफाई करते हैं। एक होता है हमारा सॉलिड, दूसरा होगा हमारा लिक्विड, एंड थर्ड होगा हमारा गैस। सॉलिड यानी कि ठोस, लिक्विड यानी कि द्रव, एंड ये हो गया हमारा गैस। इसके आगे की क्लास में मैं आप लोगों को सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ाऊंगी, उसके बाद हम लोग इसके डिफरेंस उसका भी देखेंगे। सो नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग इसे तैयार करेंगे। थैंक यू सो मच।